ये देखो ठीक है, स्कूप। आगे बना, और ये है आपका प्लेन फोर्सेप्स, ये है आपका कॉर्नियल फोर्सेप्स। ये प्लेन वाला है, कॉर्नियल के आगे ऐसे दो टूथ होंगे। ये भी आपका क्लेजियन क्लैंप। ये दोनों आपके जो हैं, ये एक चॉपर है और ये डायलर है। चॉपर थोड़ा चौड़े वाला होगा और डायलर पतले वाला होगा। चॉपर से आप न्यूक्लियस को चॉप करते हैं, उसके पीसेस में डिवाइड करते हैं, और डायलर से आप आईओएल को और लेंस मैटर को डायल कर सकते हैं। फिर ये आपका नीडल होल्डर है, जो ये कॉर्न, ये वो है 10-0 के लिए, और जो बड़ा वाला होता है वो आपके वाइकल के लिए होता है। आ गया, ये आपका मैकफर्सन फोर्सेप्स है, इसे भी आप आरओएसपी करते हैं और डिफरेंट टिश्यूज को हैंडल करने के लिए, रेक्टस मसल को उनके लिए यूज़ होता है। ये आपके सीजर हैं, ठीक है, ये आपके कंजक्टाइवल सीजर्स हैं, और एक छोटी वाली थी वो आपकी कॉर्नियल सीजर्स है, ठीक है। इसको पकड़ के ही आपको, हमने तो यूज़ इतने किया तो पता लग जाता है। ये आपका स्पेकुलम है, आई स्पेकुलम प्रोटेक्ट करने के लिए लिड्स को, और ये आपका इरिगेशन कैनूला और सिम्स कैनूला, सिमको कैनूला, ठीक है। यहाँ से आप इसमें आप टेंसिस ही अटैच करते हो साथ एस्पिरेशन के लिए, और यहाँ से आप इसको ड्रिप सेट के साथ अटैच करते हो इरिगेशन के लिए, ठीक है। ये सारे फेको के और क्लेजियन के हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे दो आपको दिखाए हैं वो प्रोबिंग स्ट्रिंग, जिनके पता होने चाहिए। वायर वेक्टर एक्स्ट्रा कैप में यूज़ होता है, उसका पता होना चाहिए। बस मेन